फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। तो ये देखिए मेरे पास है ऋतवी और हम सुबह सुबह झूला झूल रहे हैं और अभी बज रहे हैं सुबह के 8 और आज है अक्षय तृतीया। और आप सभी को मेरी ओर से और मेरी परिवार की ओर से अक्षय तृतीया की हार्दिक शुभकामनाएँ। आज का दिन बहुत ही स्पेशल है, तो आज के इस व्लॉग में आप सब लोग मेरे साथ बने रहें। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को प्रेस कर दें जिससे आपको हमारी वीडियो के रेगुलर अपडेट्स मिलते रहें। तो अभी तो हम फ़िलहाल झूला झूल रहे हैं, ये देखिए मैं और ऋतवी। मामी ये देखिए, से हेलो। और मैं आ गई अब किचन में और आज है अक्षय तृतीया, जैसा कि मैंने आपको बताया। तो आज बनता है बिना लहसुन प्याज वाला खाना। तो आज मैं बना रही हूँ ब्रेकफास्ट में आलू के पराठे। तो ये छोटू सा परांठा बन रहा है मेरे लड्डू और कन्हैया के लिए, भोग के लिए ये परांठा मैं बना रही हूँ। बिना लहसुन प्याज वाला है ये। अक्षय तृतीया पर वैसे भी हम लोग बिना लहसुन प्याज वाला खाना ही खाते हैं। मैंने ब्रेकफास्ट बना लिया है और अब मैं बाहर जा रही हूँ मंदिर में पूजा करने। तो मैंने निकाल लिए हैं थोड़े से भांग के पत्ते और यहाँ से मैं थोड़े से फूल निकाल लूँगी। इस बार हमारे गार्डन में ज़्यादा फूल नहीं हैं, थोड़े से ही फूल लगे हैं इस बार हमारे गार्डन में। तो ये देखिए यहाँ से मैं ये फूल भी निकाल लूंगी। तो हमने तो पूजा कर ली है, अब बारी आ जाती है चींटियों को आटा देने की और चीनी डालने की। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि आज है अक्षय तृतीया, तो अक्षय तृतीया पे अगर आप कोई भी दान पुण्य का काम करते हैं तो उसका फल कभी भी अक्षय नहीं होता, यानी नष्ट कभी भी नहीं होता। तो इस दिन अगर आप जितना दान करेंगे वो आपके लिए ही फायदेमंद रहेगा, इसलिए आज के दिन बहुत ज़्यादा दान करना चाहिए। तो मैं डाल रही हूँ यहाँ पर चींटियों को बाहर आटा। यहाँ पर कल ही मैंने चींटियाँ देख ली थी कि यहाँ पर चींटियाँ हैं और ये इससे पहले तो यहाँ पर नहीं थी, पर ये कल ही आई हैं। तो सोचा कि चलो अब तो घर के पास ही ये चींटियाँ हैं तो यहीं पर ही इन्हें मैं आटा और चीनी डाल देती हूँ। अक्षय तृतीया साल में सिर्फ और सिर्फ एक ही बार आती है, और जिनको नहीं पता अक्षय तृतीया का उनको मैं बता दूं, अक्षय तृतीया बहुत ही इम्पॉर्टेंट डे होता है। इस दिन जितना भी पूजा पाठ वाला काम होता है वो आप कर सकते हैं। बिना मुहूर्त के जो भी काम आपको करना होता है वो आज के दिन आप कर सकते हैं, क्योंकि अक्षय तृतीया अपने आप में ही एक बहुत बड़ा दिन है। वृंदावन में भगवान बांके बिहारी जी के चरण दर्शन भी सिर्फ और सिर्फ आज के दिन ही होते हैं। साल में सिर्फ और सिर्फ अक्षय तृतीया वाले दिन ही उनके चरणों के दर्शन करवाए जाते हैं, पूरे साल उनके चरण बिल्कुल ढके रहते हैं। कहा यह भी जाता है कि माँ गंगा का अवतरण धरती पर आज के दिन ही हुआ था। भगवान परशुराम जी का, नर नारायण जी का, हर ग्रीव का अवतरण भी आज के दिन ही हुआ था। तो सोचिए आज का दिन कितना ज़्यादा स्पेशल है। और ये देखिए यहाँ पर मैंने बहुत सारी रोटियाँ भी बनाकर यहाँ पर लिफाफे में डाल दी हुई हैं। रास्ते में जाते जाते अजय इन्हें डाल देंगे गायों को, और रास्ते में जो कुत्ते मिलेंगे उन्हें भी अजय इन रोटियों को खिला देंगे। अजय चले गए हैं ऑफिस, तो अब मैं बाहर आ गई हूँ अपने गार्डन में। यहाँ से अब मैं फूल लेकर जाऊंगी क्योंकि अब मुझे करनी है अपने लड्डू गोपाल जी की पूजा। लड्डू गोपाल जी का स्पेशल स्नान होने वाला है, पंचामृत से मैं उनका स्नान करूंगी और आज से ही लड्डू गोपाल जी की चंदन यात्रा शुरू हो जाती है। 5-7 दिन तक कंटिन्यू अब हमें अपने लड्डू गोपाल जी को चंदन लगाना होता है, क्योंकि आज अक्षय तृतीया है और अक्षय तृतीया से
गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है एकदम से, इसलिए हमारे ठाकुर जी को, हमारे लड्डू गोपाल जी को भी गर्मी लगती है, इसलिए आज से उनकी चंदन यात्रा शुरू हो जाती है। और दिन तो हम लड्डू गोपाल जी को जैसे माथे पर तिलक लगा देते हैं चंदन का, पर आज अक्षय तृतीया कुछ स्पेशल होती है। आज के दिन लड्डू गोपाल जी का पूरा हम चंदन से श्रृंगार करते हैं और उन्हें पंचामृत से स्नान करवाते हैं। तो अब मैं आपको दिखाऊंगी कि कैसे मैं अपने लड्डू गोपाल जी का चंदन श्रृंगार करूंगी। तो चलिए आइए, अब मैं आपको अपने लड्डू गोपाल जी के श्रृंगार दर्शन करवाती हूँ। मैंने उन्हें नहला के उन्हें चंदन लगा दिया हुआ है, तो चलिए आइए मैं आपको दर्शन करवाती हूँ। जैसे कि आज अक्षय तृतीया है, तो अक्षय तृतीया पर लड्डू गोपाल जी का चंदन श्रृंगार किया जाता है। और ये देखिए, मेरे लड्डू और कन्हैया रेडी हैं चंदन श्रृंगार करवा कर। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं मेरे लड्डू और कन्हैया कैसे लग रहे हैं। और ये देखिए, यहाँ पर मैंने फूलों से श्रृंगार भी किया हुआ है इनके झूले का। ये देखिए मेरे प्यारे प्यारे छोटू से दोनों लाला। जैसा कि मैंने अभी आप सबको बताया कि आज के दिन वृंदावन में श्री बांके बिहारी जी के चरणों के दर्शन भी करवाए जाते हैं, तो इसलिए आज आप मेरे लड्डू गोपाल जी के चरण दर्शन भी कर सकते हैं। मैंने अपने लड्डू गोपाल जी को भोग लगा दिया हुआ है। अब हम थोड़ी देर यहाँ पर पर्दा कर कर रखेंगे। और ये देखो मेरे पास कौन है, मेरे पास है रुत्वी, रुत्वू, मामी, ओए काका, ये हमारा बहुत प्यारा बच्चा है। आई तो नहीं, ये नहीं जा रही है, ये तो फंसी फंस गई है पक्की इसके अंदर। तो इधर से मार इसको एक ढक्कर। ये तो पीछे को ही आ रही है। चलिए चलो चलो कहाँ है वो, है ऊपर, वो है वहां पे बैठी हुई। दो ही थी बाबा है। हाँ दो ही थी ये। बस हाँ पक्का? हाँ पक्का, इनको खा दिया किसी को रात को? नहीं दो ही थी, तब से दो ही दिख रही है। एक घूरा पाती तो चलेगी। आई तो आई फिर की वजह से हुई हो पागल, तो देखी पागल। बैठ गई वो वहां पे साइड में, आ गई, अब भी नहीं निकलेगी ये। हाफ करो इसको, हाफ करो प्रेस, आधा चार्ट के अंदर आधा चार्ट के बाहर। कैद करना है इसके अंदर। बच्चे कहीं जो खा भी सकती है, इसलिए इसको छेड़ नहीं सकते, इसको एक कैप्चर में अंदर करना पड़ेगा। फ्रेंड्स आज हमें मधुमक्खियों ने खा लिया था। हम आए थे वेंटिलेटर ओपन करने, हम सारे रूम्स के वेंटिलेटर ओपन कर रहे थे। मम्मी के कमरे में आए, ये वाला वेंटिलेटर हम लोग ओपन करने लगे और यहाँ पे बाहर वाली साइड से मधुमक्खियों ने बहुत बड़ा छत्ता बना लिया था और एकदम से ये हमारे फेस पे ही आ गई सारी की सारी, पर हम लोग बच गए। पर अभी रूम के अंदर कुछ मधुमक्खियाँ आ गई हैं, एक को तो हमने बाहर निकाल दिया, अब एक बची है। ये देखिए ये है यहाँ पर, और ये मधुमक्खियाँ काटने वाली हैं। हिलाऊं उसको जाके वहां पे, मम्मी के कलीरों के ऊपर बैठ गई वो। क्या बोल रहे हैं, प्लीज स्पीक, क्या बोल रहे हैं? ये फोन फोन तेरे रूलिया ने थी रूलिया ने सब कुछ आ गया। हाँ बैठ 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 बैठ।
इसको पता लग गया कि मैं वहीं पर ही बच सकती हूँ। लाइट के ऊपर बैठ जाएगी। ओहो लाइट के ऊपर बैठ गई अब तो। ये शांति रखो तो, धैर्य के साथ पकना पड़ती है चीज। तो मैं धैर्य नहीं है, तुम सोच रहे हो ऐसे कर देंगे तुम। चलो सारी खाना तू, वो तू भी ऐसा एक डब्बा डर रहा बाहर चटपट। अरे तुम्हें पता नहीं अभी खाने की तैयारी पे है पर तुम ना यार आप मेरे पास ही दे दो। पंखा भी ऑन की तरह ऐसा कर रहे हैं मम्मी तब से। यार ये सही तरीका मक्खी लड़ रहा। आगे सिस्टम नहीं देखते हो, सिस्टम पता है सिस्टम। सिस्टम फाइनली हमने सेकंड वाली मधुमक्खी को भी रेस्क्यू कर लिया है। अब हम बाहर जाकर इसको रिलीज कर देंगे। अब बारी आ जाती है इसे रिलीज करने की। सिस्टम से रिलीज होती है सिस्टम। इस डब्बे को ही नीचे रख दो। सिस्टम आ जाएगी नहीं तो ऊपर ही हमारे खाने। डब्बा रख दो यहाँ पे नीचे, ये अपने आप निकल जाएगी। सिस्टम नीचे थुड़को इसको, डब्बे को जमीन पे। चल जाएगी ऐसे सिस्टम ना। सिस्टम ओ निकल गई। सिस्टम ओ सिस्टम इससे भी डर लग रहा। मैट निकाल दो नीचे से। सिस्टम से जाने के फेंक दिया उसको। नहीं निकलती है। किसने बोल दिया निकल गई वो। फ्रेंड्स अब हम लोग आ गए हैं ऊपर छत पर और यहाँ पर बहुत ही ठंडी ठंडी हवा लगी हुई है। बहुत मज़ा आ रहा है अब यहाँ पर हमें। अब थोड़ी देर हम यहाँ पर ही टाइम स्पेंड करेंगे। और हमने ऑनलाइन मंगाया था ये मॉस्किटो, क्या था ये, मॉस्किटो किलर। मॉस्किटो किलर तो हमने मंगवाया था ऑनलाइन ये मॉस्किटो किलर, तो वो भी मैं आपको दिखाती हूँ कैसा है। ये देखिए ये है हमारा मॉस्किटो किलर। ये हमने अपने पावर बैंक के साथ इसको कनेक्ट किया हुआ है। अब जितनी देर हम यहाँ पर बैठे रहेंगे उतनी देर हम इसे भी यूज़ करके देखेंगे कि ये कैसे काम करता है। ये आया, ये आया, चाची धीरे आया। आओ